अब जी यहाँ पे मेरा हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस पॉइंट करना था पोर्टा हेपेटिस का, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। अच्छा जी, फिलहाल द कंक्लूजन इज यहाँ पे ऑन द विजरल साइड आपको फिशर्स मिल गए। फिशर, एक फिशर का नाम था फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम, दूसरा वाज द फिशर फॉर द लिगामेंटम टेरस। अच्छा जी, आपके पास फिशर होता क्या है आपको यहाँ पे पता चल गया। जब मैं एनाटमी में फिशर्स की डिस्कस करूँ तो बेसिकली द फिशर इज द डिप्रेशन, उर्दू में कह लो शगाफ, ठीक है। फोसा, फोसा भी डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करा है, जहाँ भी आपने पढ़ा कि आपका गाल ब्लैडर पड़ा हुआ था। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब जी देखो, एक हैंडमेड डायग्राम आपको राइट साइड पर नज़र आ रही है, ठीक है। इस हैंडमेड डायग्राम में मैंने कार्डेड और क्वाड्रेट लोब के दरमियान एक येलो कलर का एल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये वो साइट है जहाँ पर आपकी लेसर उमेंटम अटैच है लिवर के साथ, ठीक है। लेसर उमेंटम, मैंने कहा था ना, योर लेसर उमेंटम इज अटैच टू द लिवर। जब मैंने अब जी विजरल साइट से देखा तो कार्डेट और क्वाड्रेट लोब के दरमियान एक एल शेप का आपको स्ट्रक्चर नज़र आया, ठीक है। यानी कि इस एल डायरेक्शन में आपके पास ये लेसर उमेंटम आपकी अटैच है, एल डायरेक्शन में आपकी लेसर उमेंटम अटैच है आपके लिवर के साथ। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब देखो ये जो आपके पास ये जो येलो कलर की लेसर उमेंटम आपको दिखाई गई है जो लिवर के साथ अटैच है, क्या इसने तीन डॉट्स को कवर किया हुआ है? ये तीन डॉट्स बेसिकली इधर आपको तीन स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहे हैं। भाई स्ट्रक्चर हम लोगों ने लंग्स पढ़े थे, हाइलम पढ़ा था ना, हाइलम क्या था? एरिया था जहाँ से आपके स्ट्रक्चर्स किसी ऑर्गन के अंदर जा रहे थे, एंटर हो रहे थे या वहाँ से एग्जिट हो रहे थे। अब भी आपके पास पोर्टा हेपेटिस का भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये जो तीन स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए हैं, यहाँ से इन तीन स्ट्रक्चर्स को अपने अपने जहन में रख लो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाओ, दैट इज़ दी पोर्टा हेपेटिस। नेक्स्ट स्लाइड में आगे, पोर्टा हेपेटिस, पोर्टा हेपेटिस क्या है? दैट इज़ द ट्रांसवर्स फिशर। देखो एक स्ट्रेट फिशर ही दिखाया गया ना, पोर्टा हेपेटिस इज़ अ ट्रांसवर्स फिशर, ठीक है। मैं इसे लिवर का हाइलम कह दूंगी क्योंकि ये वो प्लेस है जहाँ से कुछ स्ट्रक्चर्स आ जा रहे हैं मेरे लिवर के अंदर। और मैंने आपको यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर्स बने हुए दिखाए हैं, तीन सर्कल्स दिखाए हैं, ऐसे ही है, तीन सर्कल्स दिखाए हैं। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास फिशर है जिसे मैं हाइलम कह रही हूँ, जहाँ से आपके स्ट्रक्चर से गुजर रहे हैं, दिस इज़ शॉर्ट, इसकी लेंथ छोटी है, बट डीप, डीप कितना है? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है। और जी दैट इज़ बीनीथ द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर। देखो पिछले डायग्राम के ऊपर आओ, जहाँ पे हैंडमेड डायग्राम है, ये मेरी लिवर की राइट साइड है। मेरे राइट को अगर मैं ऐसे रेफरेंस दूँ तो ये जो मेरे पास पोर्टा हेपेटिस पड़ा है, इज़ इट ऑन द लेफ्ट साइड? दैट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। और क्या ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है? यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना। क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चों आपके पास ये जो पोर्टा हेपेटिस है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि ये लिवर से रिलेटेड आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, हाइलम है। लिवर, लिवर आपके बॉडी के राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड पे? अभी आपने देखो ना ये डायग्राम ड्रॉ की है ना, राइट पे कि लेफ्ट पे है? स्टमक कहाँ पर है? लेफ्ट पे। लिवर कहाँ पर है? दैट इज़ ऑन द राइट। अगर आप लोगों ने पूरी डायग्राम देखी होती तो क्या ये जो लिवर है, इज इट बीनीथ द डायफ्रेम? दैट इज़ बीनीथ द डायफ्रेम। Is it on the top of the stomach? Yes. That is on the top of the stomach. Next diagram में आओ, देखो यहाँ पर आपको hilum clear है? Yes, नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको clear है? Yes. देखो structure से गुजर रहे हैं liver में कहीं से, ठीक yes. है। Next और diagram के ऊपर आओ, porota hepatis, right side की diagram देखो। पोर्टा हेपेटिस से बेसिकली स्ट्रक्चर कौन कौन से गुजरे हैं, देखो क्या क्या मैंने नाम लिखा है। क्या? अच्छा सबसे पहले बताओ यहाँ क्या हेपेटिक वेन गुजर रही है? हेपेटिक वेन नहीं गुजर रही यहाँ से, हेपेटिक वेन
नहीं गुजरी, गुजर यहाँ से क्या रहे, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और दी बाइल डक्ट। क्या स्ट्रक्चर नहीं गुजर रहा, हेपेटिक वेन नहीं गुजर रही यहाँ से, ठीक है। अब जी पोर्टा हेपेटिस बच्चों बेसिकली है का वो पिछली हैंडमेड डायग्राम में देखो, इज इट बिटवीन दी कार्डेट एंड क्वाड्रेट लोब, क्लियर है ये भी स्ट्रक्चर। अब जी पोर्टा हेपेटिस का आपको तीन स्ट्रक्चर आ गए, आपने हैंडमेड अपनी डायग्राम में देख लिया कि दैट इज बिटवीन दी कार्डेट एंड दी कॉर्डेट लोब। तीन स्ट्रक्चर हाइलम में से कौन कौन से गुजर रहे हैं, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड दी बाइल डक्ट। कौन सा स्ट्रक्चर नहीं गुजरा, हेपेटिक वेन नहीं गुजरी, क्लियर हो गया। अच्छा जी बच्चों अब मेरे पास वो मॉडल भूल गया वरना मैंने रखकर दिखाना था, लैब में जब जाएंगे ना नेक्स्ट टाइम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। मेरे पास बच्चों आई हैव दी स्टमक, ठीक है, और स्टमक के ऊपर मेरे पास लिवर पड़ा हुआ है, ठीक है। एक और अच्छा ये मेरे पास स्टमक है, ठीक है, स्टमक के ऊपर बच्चों मेरे पास लिवर पड़ा है। लिवर पड़ा कुछ इस तरीके से है कि मेरे स्टमक की जो लेसर मोमेंटम आ रही है पोस्टीरियरली मेरे लिवर के पोर्टा हेपेटिस को कवर कर रही है, ठीक है, लिवर के पोर्टा हेपेटिस को कवर कर रही है ये, ठीक है। आप आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, खोल लिए सबने स्लाइड। मैंने लिखा हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट, अब मैंने डिफाइन करने जा रही हूँ, ठीक है। ये लिगामेंट्स क्या लेसर मोमेंटम का पार्ट है, ठीक है जी। मेरा जी लेसर मोमेंटम का वो पोर्शन दैट इज़ बिटवीन द लिवर एंड द स्टमक, मैंने कहा था ये स्टमक है, ये उसके सुपीरियरली आपके पास लिवर पड़ा है। स्टमक की लेसर मोमेंटम मेरे लिवर के साथ अटैच है, मेरी लेसर मोमेंटम का वो पार्ट दैट इज़ बिटवीन द स्टमक एंड द लिवर, उसको मैंने क्या कह दिया, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। डायग्राम देखो, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट क्लियर है, ठीक है। अब जी मेरे लेसर मोमेंटम का वो पार्ट, द पोर्शन ऑफ द लेसर मोमेंटम दैट इज बिटवीन द लिवर एंड द ड्यूडिनम, ये लिवर है, लिवर ऊपर है, स्टमक है, मेरा लिवर है, ऐसे पड़ा है, ठीक है। अब दरमियान में मेरे पास लेसर मोमेंटम है, लेसर मोमेंटम का वो पार्ट दैट इज बिटवीन द स्टमक एंड द लिवर इज द हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। अब जी मुझे ये पता है कि मेरे इस स्टमक के साथ ड्यूडिनम भी अटैच है, ठीक है, मेरे स्टमक के साथ ड्यूडिनम भी अटैच है। मेरे लेसर मोमेंटम का वो पार्ट दैट इज बिटवीन द ड्यूडिनम एंड दिस लिवर, उसको मैंने क्या कह दिया, हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। देखो डायग्राम में हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट क्लियर है। अच्छा जी बच्चों दिस वाज योर लेसर मोमेंटम, ठीक है।